हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक्सम यूट्यूब चैनल से मैं समरत। तो रिसेंट टाइम के अंदर अगर आप टेक्नो को देखेंगे, काफी एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ही टेक्नो ने जो है टेक्नो का स्पार्क 7 सीरीज के अंदर कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किया था। मैं भी कवर किया था यह सब स्मार्टफोन के बारे में, काफी अच्छा लगा था स्पार्क 7 सीरीज का स्मार्टफोन। तो रिसेंटली जो है टेक्नो ने अमेजॉन के ऊपर लॉन्च किया पोवा 2। तो पोवा 1 फ्लिपकार्ट में लॉन्च हुआ था, पोवा 2 अमेजॉन में देखने को मिलेगा। 4 GB रैम 64 GB इंटरनल के साथ आपको 11,000 रुपया से प्राइस देखने को मिलेगा ये फोन का। एंड देखा जाए तो फोन सच में एक अच्छा हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस बजट के अंदर। बट आज के दिन में अगर देखेंगे ये फोन के साथ कंपटीशन में काफी सारा फोन तो है, बट अगर आप माइक्रोमैक्स का इन वन को देखेंगे 10 के रुपया के अंदर आज के दिन में वन ऑफ दी हम लोगों को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों फोन का कंपटीशन में आपको जानने को मिलेगा आपको कौन सा फोन लेना चाहिए एंड मैं कौन सा फोन रिकमेंड करता हूं। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर दोनों फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इस बजट के अंदर अगर आप कोई भी फोन देख लीजिए, हर एक फोन जो प्लास्टिक बैग के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। दोनों फोन ही प्लास्टिक बैग तो है, बट माइक्रोमैक्स का फोन में जो आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा, टेक्सचर भी देखने को मिलेगा जो ओवरऑल हाथ में ग्रिप करने में हेल्प होगा एंड ओवरऑल फोन का डिजाइन अच्छा है इस बजट वाइज देखा जाए तो। बट टेक्नो पोवा 2 का डिजाइन जो बहुत ही अच्छा आपको एक डिजाइन देखने को मिलेगा, मतलब स्पेशली जो टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, इसका साथ जो ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलेगा पीछे, ये सब कुछ लेकर जो काफी अच्छा एक लुकिंग आपको फोन का देखने को मिल जाएगा, काफी एक गेमिंग फोन की तरह देखने को आपको मिल सकता है। बट दोनों फोन का डिजाइन इस मामले में काफी अच्छा है, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है टेक्नो पोवा 2 का सर। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का अगर आप फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे, दोनों फोन में जो नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, दोनों में डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड आप सेम टाइम यूज कर पाएंगे। माइक्रोमैक्स का फोन में जो है पीछे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, बट पोवा 2 में आपको देखने को मिलेगा साइड माउंट फिंगरप्रिंट। तो साइड माउंट होने पर जो क्लीन लुकिंग आपको देखने को मिलेगा और भी ज्यादा टेक्नो पोवा 2 के अंदर। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर गौर करेंगे तो डिस्प्ले के मामले में मैं प्रेफर करूंगा माइक्रोमैक्स को। हालांकि माइक्रोमैक्स का डिस्प्ले भी काफी बड़ा है और भी छोटा डिस्प्ले होगा तो और भी अच्छा कॉम्पैक्ट फोन हो सकता है, क्योंकि टेक्नो पोवा 2 में देखिए 6.9 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा है डिस्प्ले। इतना बड़ा डिस्प्ले मुझको पसंद नहीं है, आपको पसंद हो सकता है वो अलग बात है। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इधर आपको जो डियर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा, सॉरी 5 नॉच देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ। सेम टाइम अगर हम लोग माइक्रोमैक्स इन वन को देखेंगे, इधर आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का साथ, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले ये भी है एंड इधर भी आपको जो एक 5 छोल देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन ही अच्छे, बट मुझको पर्सनली जो छोटा डिस्प्ले पसंद है इस मामले में ऑब्वियसली मैं माइक्रोमैक्स को प्रेफर करूंगा, हालांकि मुझको 6.4 इंच का डिस्प्ले सबसे अच्छा लगता है साइज वाइज। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें, उसका पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए व्यूअर सिस्टम चैनल में सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी डेली बेसिस में हम लोग जो भी वीडियो देंगे इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा एंड हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगा। यानी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो जो स्पेशली उतना ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का रैम इंटरनल स्टोरेज देखेंगे, इस बजट का फोन में LPDDR4X रैम आज के दिन में कॉमन है, इधर भी आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज जो आपको eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, UFS 2.1 स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रोसेसर। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का कैमरा देखेंगे तो कैमरा के मामले में मैं बोलूंगा दोनों फोन मोर ऑर लेस सिमिलर है। हाँ, टेक्नो का फोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, बट टेक्निकली एक ही कैमरा आप काम में लेने वाले हैं। सेम टाइम अगर माइक्रोमैक्स को देखेंगे, इधर ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, इधर भी एक ही काम में आने वाला है, क्योंकि टेक्नो पोवा 2 में जो है आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा एपर्चर 1.8 के साथ। सेकेंडरी आपको देखने को मिलेगा एक 2 MP का मैक्रो सेंसर, इसका बाहर में एक 2 MP का डेप्थ सेंसिंग का सेंसर देखने को मिलेगा एंड इसका बाहर में और एक सेंसर आपको देखने को मिलेगा जो AI सेंसर बोलते हैं, बट कोई काम का सेंसर नहीं है, मतलब कोई काम में आपको नहीं आएगा एंड मैक्रो सेंसर जो आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2 MP का मैक्रो सेंसर में कोई यूजफुल काम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम टाइम अगर आप फ्रंट में देखेंगे 8 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। सेम टाइम माइक्रोमैक्स को देखिएगा, माइक्रोमैक्स के ये फोन में भी 48 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, इधर जो है आपको सैमसंग GM2 जो है ISOCELL सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा
इधर भी 2 मेगापिक्सल का डेप एंड मैक्रो सेंसर है जो कोई काम का नहीं है। एंड फ्रंट में जो है माइक्रोमैक्स इन वन में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा एपर्चर f/2.0 की साथ। तो कैमरा वाइज अगर आप देखेंगे दोनों कैमरा का एप्स तो कंप्लीट अलग है, बट बेसिक जो फीचर सबसे ज्यादा जरूरत है हर फीचर देखने को मिलेगा। जैसा पोर्ट्रेट मोड की बात कीजिए आपको दोनों फोन में ही देखने को मिल जाएगा। इसका बाहर में जो है AI मोड बोलिए ये देखने को मिल जाएगा, HDR मोड जो है ये भी देखने को मिल जाएगा, AI ब्यूटिफिकेशन, ये हर एक चीज का जो तरह तरह का फीचर होता है ये देखने को मिलेगा। डेडिकेटेड नाइट मोड दोनों फोन में ही देखने को मिलेगा। एंड माइक्रोमैक्स का फोन का मैं पिक्चर क्वालिटी देखा, इससे जो है मुझको जो लगता है माइक्रोमैक्स का जो पिक्चर क्वालिटी इस बजट के अंदर एक आपको अच्छा क्वालिटी का पिक्चर देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर देखिएगा पिक्चर क्वालिटी मोर और लेस दोनों का सिमिलर है। एंड फ्रंट कैमरा में भी ओवरऑल आपको अच्छा क्वालिटी का देखने को मिलेगा। माइक्रोमैक्स का फोन में डेडिकेटेड नाइट मोड आपको फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिलने वाला है। इसका बाहर में दोस्तों अगर दोनों फोन का वीडियो रिकॉर्ड देखेंगे 180p 30fps वीडियो रिकॉर्ड जो है दोनों में ही देखने को मिलेगा, बट 2K जो वीडियो रिकॉर्ड है ये आपको देखने को मिल जाएगा टेक्नो पोवा 2 में। 4K वीडियो रिकॉर्ड दोनों फोन में ही देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है। और दोस्तों अगर EIS की बात किया जाए तो माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर आपको EIS देखने को मिलेगा। हाँ एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास काम नहीं करते, बट थोड़ा बहुत काम करते जिससे थोड़ा बहुत आपको स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होते देखने को मिल जाएगा। ये फ्रंट बैक दोनों में ही काम करते, बट जो टेक्नो पोवा 2 है इधर है या नहीं है इसके बारे में मेरा पास कोई भी डेटा अभी तक नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर को देखेंगे तो मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोमैक्स इन वन में। तो ये सच में एक अच्छा प्रोसेसर है, 2 लाख की आसपास आपको एंटिटी की पर बेंचमार्क देखने को मिलेगा। ओवरऑल डेली लाइफ मल्टीटास्किंग जो होता है आपका वो हर एक काम आप अच्छे से कर पाएगी। इवन गेमिंग की बात करेंगे पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गेम जो आप लाइटली खेल सकते, 1-2 घंटे के लिए आप आराम से ये फोन से खेल सकते। तो सब कुछ लेकर ये प्रोसेसर जो एक अच्छा आपके लिए चॉइस हो सकते इस बजट में। बट टेक्नो पोवा 2 को देखेंगे इधर आपको देखने को मिल रहा है मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर। तो G85 जो है G80 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2-3% मैक्सिमम ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली उतना डिफरेंस आपको क्रिएट नहीं करेगा। एंड गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग में सब कुछ में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एंड परफॉर्मेंस सेक्टर में ओवरऑल जो लगता है दोनों फोन ही एक अच्छा आपके लिए चॉइस हो सकता है। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का बैटरी को देखेंगे तो माइक्रोमैक्स का फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 18W का चार्जर एडाप्टर भी इनबॉक्स दिया गया। एंड ओवरऑल आपको जो बैटरी बैकअप है आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, आराम से एक दिन का ऊपर अगर आप हेवी यूज भी करोगे आपको आराम से चल जाएगा। बट सेम टाइम अगर आप टेक्नो पोवा 2 को देखेंगे इधर जो आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा बैटरी, मतलब ह्यूज साइज का बैटरी। इस तरह का बैटरी इसका पहले प्रोबेबली सैमसंग के M51 में था। तो ये फोन को चार्ज करने के लिए एक 18W का चार्जर एडाप्टर को इनबॉक्स दिया गया। तो इससे चार्ज करने जाएंगे तो फोन को आपको मिनिमम 3-3.5 घंटा ओवरऑल लगेगा ही लगेगा फोन चार्ज होने में। हाँ बट बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा देने वाला है, 2 दिन आराम से आपको चल जाएगा अगर आप हेवी यूज करते हो तो भी, मतलब 7000 mAh ऑब्वियसली होगा ही। बट सॉफ्टवेयर के मामले में जो सबसे बड़ा एडवांटेज माइक्रोमैक्स के पास रहेगा ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिएगा टेक्नो पोवा 2 में जो है आपको हाईवेज 7.6 देखने को मिलेगा। तो हाईवेज के बारे में बोला जाए तो टेक्नो एंड इन्फिनिक्स एक ही ब्रांड का अंदर आता है। तो हाईवेज एंड इन्फिनिक्स का एक स्वेज मोर और लेस सिमिलर काइंड का ही आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। तो हाईवेज से आपको बहुत ही फ्लूइड एकदम क्लीन एक एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला नहीं है। बिकॉज देखिएगा ये हाईवेज बोलिए एक्सवेज बोलिए इसके अंदर तो काफी सारा तरह तरह का फीचर है जिसके अंदर कुछ सच में यूजफुल फीचर है, बट ऐसा बहुत फीचर है जो नहीं देने पर भी चलेगा, ऐसा फीचर भी देखने को मिलेगा। जो चीज को कट डाउन करना चाहिए इन्फिनिक्स एंड टेक्नो को इसके साथ और भी पॉलिश होना चाहिए। अनवांटेड काफी एप्स देखने को मिलेगा जो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, नोटिफिकेशन आने की तरह तो प्रॉब्लम है, एड दिखाने की तरह प्रॉब्लम तो है ही। ये सब को छोड़कर अगर सेम टाइम आप माइक्रोमैक्स इन वन का UI देखेंगे इधर जो है आपको नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। किसी तरह कोई अनवांटेड एप्स इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन अनवांटेड आने की तरह प्रॉब्लम तो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, इवन कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा UI के ऊपर। तो ये सब लेकर जो आपको क्लीन एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो मिलेगा, जो ओवरऑल फोन यूज करने का एक्सपीरियंस और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसका साथ कुछ यूजफुल फीचर को एडिशनली माइक्रोमैक्स ऐड किया, कुछ गेस्चर बोलिए जैसे 3 फिंगर इनसर्ट गेस्चर, इस तरह का काफी सारा आपको फीचर इधर देखने को मिल जाएगा ये फोन के अंदर। सॉफ्टवेयर के मामले में मुझको जो है माइक्रोमैक्स का UI ज्यादा पसंद है। तो ये है दोनों फोन का ओवरऑल कंपैरिजन। इसका बाहर में और भी 2 चीज ऐड करना चाहता हूँ। माइक्रोमैक्स का फोन में जो है आपको देखने को मिलेगा 4G+ कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट, जो ओवरऑल इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड और भी बेहतरीन करेगा। एंड इसका साथ जो इधर Wi-Fi 5GHz का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये फीचर टेक्नो का फोन में है या नहीं है ये मुझको कंफर्म नहीं है। तो कौन सा फोन आपको लेना चाहिए आप देखिए।
तो देखिए मैं तो ऑब्वियसली अगर ये दो फोन के अंदर चूज करने वाले तो मैं बोलूंगा माइक्रोमैक्स इन वन का साथ जाने के लिए, क्योंकि 10,000 रुपया में मिल रहा है, 7,000 mAh की बैटरी को छोड़कर अगर बाकी चीज को देखेंगे मोर ऑर लेस सिमिलर काइंड का ही परफॉर्मेंस मिल रहा है। 1,000 रुपया ज्यादा देकर जस्ट आप एक बैटरी को ही ज्यादा ले रहे हैं, परफॉर्मेंस सेक्टर में 2-3% का डिफरेंस जो आपको कुछ खास डिफरेंस भी नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर माइक्रोमैक्स को लेते हो तो आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको सबसे तो अच्छा मिलने वाला है, इसके साथ एक इंडियन ब्रांड को भी सपोर्ट करना हो जाएगा। बट अगर आप टेक्नो का फोन को पसंद है तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो, क्योंकि टेक्नो पोवा 2 जो है ये भी सच में एक अच्छा फोन है 11,000 रुपया वाइस देखा जाए तो ये है मेरा थॉट। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को वीडियो का लाइक टारगेट जो रखा गया 50 हो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है फिल वीडियो का कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का आंसर आपको देने के लिए ट्राई करूंगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए जो भी नया फोन लेने के लिए सोच रहे सभी का साथ। तो चलिए तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।